सो वेलकम गाइस टू चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस ऑल आर फाइन। तो यार लॉकडाउन चल रहा है यार तगड़ा, और 18 मई तक तो और एक्सटेंड कर दिया है। तो अभी बाहर जाने का कुछ सीन तो है नहीं, पर अभी अभी हम घर पे ही हैं। तो हमने सोचा एक अपने डॉगी के साथ वीडियो बनाई जाए। ये हमारा डॉगी का नाम है लूपर। अभी मेरे हाथ में है 2 च्यू स्टिक्स और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो और इसे आज नहलाना भी है क्योंकि एक दो दिन हो गए इसे नहलाया नहीं, और गर्मी थोड़ी काफ़ी बढ़ गई है। तो आज थोड़ा मौसम बढ़िया था तो हमने सोचा आज अपने लूपर को नहलाया जाए, और इससे पहले 2 च्यू स्टिक्स इसे दी जाए जिससे कि ये बढ़िया से नहाले। इधर बैठो, नीचे सिट डाउन, नीचे, वेरी गुड। पानी है? पानी है? लो पानी है, लो, वेरी गुड, खाओ इसे। तो यार ये देसी ब्रीड है, और वैसे नॉर्मल ब्रीड में रखी नहीं है, जैसे ड्रॉट वेलर हो गया। वैसे मैं देसी ब्रीड पसंद करता हूँ, और ये काफ़ी कहना भी मानता है मेरा, जैसे मैंने अभी कहा सिट, तो इसे पता है अभी देना है तो कहना तो मानना ही पड़ेगा। तो अभी इसे 2 देता हूँ, फिर उसके बाद इसे नहलाऊँगा। इसको नहलाने के लिए एक शैम्पू ला रखा हूँ मैं, काफ़ी बढ़िया शैम्पू है डॉग्स के लिए। इसे हो गए कम से कम 5-6 साल इसे मेरे साथ हो गए, इतना साल लेके आया था इसे, अब काफ़ी बड़ा हो गया है। और बीच बीच में, और मेरे को सबसे बढ़िया बात ये लगती है, तो यार सबसे बढ़िया बात मुझे देसी डॉग्स में ही लगती है कि यार ये जब बीमार होते हैं तो ये अपने आप ही रिकवर कर लेते हैं, इन्हें ज़्यादा मेडिसिन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे ब्रीड वाले डॉग होते हैं, लैब्रा हो गया, पग हो गया, इनको काफ़ी सारी मेडिसिन देनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये जो देसी होते हैं, ले और ये आ गया ना, और ये जो देसी होते हैं इनको कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, इनको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। ये घास वगैरह खा के अपना पेट वगैरह ठीक कर लेते हैं। बीच में काफ़ी बीमार हुआ था तो इसे मेडिसिन नहीं दी थी, तो इनने बाहर इसे मैं घुमाने ले गया था बाहर, तो घास वास खा के ये सब ठीक हो गया एकदम मज़े में। और एक गर्मियों का टाइम है, और गर्मियों का टाइम है तो इसके बाल बाल झड़ रहे हैं, ये देख सकते हो। आज इसे नहलाते हैं बढ़िया से साबुन शैम्पू से, फिर बनाते हैं इसके साथ वीडियो। लॉकडाउन में क्या करें भाई, घर पे रहना है, और घर पे रहो, सेफ रहो। अभी 18 मई तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, इसलिए मैंने मास्क वगैरह लगाया, क्योंकि जब नहलाऊँगा इसके बाल, अभी जो इसके बाल वगैरह उड़ रहे हैं वो मुँह पर ना जाए, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अब तेरे को नहाएगा, नहाएगा ना, नहाएगा, नहाएगा बच्चा, आ ले खा ले, ले ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, आओ ऊपर आओ, ऊपर आओ, आओ। चलो भाई इसे नहलाते हैं फटाफट से। तो यार ये मेरा सेटअप है कुछ तरह इस तरीके से। ये स्काईविक का लेंस है, ये बोया माइक है, और एक कनेक्टर है, और ये अपना लूपर जिसको अभी हम नहलाने वाले हैं। यहाँ पे बांध के सब सेटअप वेटअप कर लिया है, और ये मेरा आईफोन 7 प्लस, और ये ट्राईपॉड जिसमें मैं लगा के शूट कर रहा हूँ। तो अभी फटाफट से नहलाते हैं अपने लूपर को, और हमारे लूपर भैया जी रहने के लिए रेडी, और थोड़ी गर्मी भी हो रही है इसलिए थोड़ा हाफ रहा है, तो फटाफट से नहलाते हैं इसे। तो अभी इसे नहलाने वाले हैं मोटर के पानी से, क्योंकि टंकी का पानी तो इस टाइम पर गर्म है और मोटर का पानी काफ़ी ठंडा है, और इससे हमारे लूपर को मज़े आ जाएंगे। इधर आओ लूपर, आ गया, इधर आओ। ये इसे गर्मी लग रही है, फटाफट शैम्पू लेके आते हैं। तो यार ये इसका शैम्पू है थिक फ्री नाम से, ये भिजवाया है हमें सुमित भाई ने दिल्ली से, काफ़ी टाइम हो गया है इसे, आज पहली बार यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू सुमित भाई मेरे डॉग के लिए शैम्पू भिजवाने के लिए, धन्यवाद। आज ही यूज़ करेंगे, रैपर को फेंकते हैं साइड में, और आ जाओ बेटे, आ जाओ लो, आओ, वेरी गुड, आ जाओ इधर, आ जाओ, आगे से मिलाएंगे मेरा बच्चा। तो यार डॉग को नहलाने में अलग ही मज़ा आता है। अगर आपको लॉकडाउन में अगर और कुछ काम करना है तो अपने घर की साफ़ सफाई करें यार, जहाँ पे कबाड़ा दिख रहा है उस कबाड़े को साफ करें, क्योंकि सफाई रखोगे तो बीमारियाँ भी दूर रहेंगी।
और इस शैम्पू से सारे जम्स वगैरह जो हैं वो खलास हो जाएंगे, खलास है ना, कोई बच्चा मर जाएंगे ना, मर जाएंगे सब। यार इसलिए से छत में नहा रहा हूँ क्योंकि फिर ये छत पे नाचेगा और मुझे भी नचवाएगा, फिर नहाने में दिक्कत होगी, कभी कहीं घुस जाता है कभी कहीं घुस जाता है, इसीलिए इसे हम ऊपर ही नहीं बांध के नहाएंगे, इसे फिर इसे खुला छोड़ देंगे पूरी छत, फिर तू कहीं भी जा सकते, फिर तू मजे कर कुछ भी कर, ठीक है। तो फाइनली यार हमारा जो लूपरवा है बच्चा है वो नहा चुका है, तो तब तक यार सिनेमैटिक देखिए, आई होप कि आपको सिनेमैटिक शॉट पसंद आए। वाह बेटे वाह, अभी तुझे नहलाया है, अब तू पूरी दीवार पे घिसड़ के अब सफ़ेद करेगा अपने आप को, है भाई लूपर। एक फ्रंट से भी ले लेंगे, आजा एक फ्रंट से पोज ले लेंगे, आजा सब्सक्राइबर को दिखाएंगे, लो देखो देखो इधर, देखो इधर, देखो फ्रंट से पोज, देखो लूपर इधर देखो, वाओ लूपर कितना अच्छा लग रहा है, देखो लूपर कितना अच्छा लग रहा है, सफ़ेद सफ़ेद लगा दिया तूने पूरा। तो यार ऐसे ही काफ़ी बढ़िया बढ़िया टाइम स्पेंड होता है डॉग्स के साथ, तो काफ़ी मज़ा खेलते भी हैं कूदते भी हैं साथ में। लाइट तो आई थिंक लाइट चली जा चुकी है, पर अपने सारे इन्वर्टर से कनेक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यार ऐसी डॉग्स यार स्पेंड कर रहा था टाइम, काफ़ी बढ़िया टाइम स्पेंड हो जाता है, और अपनी क्लास भी अभी जस्ट खत्म हुई है, हमने क्लास चली है, तो थोड़ा हमने एक आध टाइम निकाल के अपने डॉग्स को डॉग को थोड़ा निकाल देते हैं, खुलाएगा तो यार डॉग्स के साथ भी टाइम स्पेंड करा करो, निकाल दिया कभी कुछ कर लिया छत तोड़ी, अगर आप घर पे हो वेले बैठे हो तो साफ़ सफाई करो घर की, थोड़ा सामान सुमान इधर उधर देखो, कोई पानी खट्टा तो नहीं हो रहा, डेंगू से बचें और साफ़ सफाई रखो, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, इस समय काफ़ी दिक्कतें हो रही है हर जगह, काफ़ी पेशेंट है जिनकी रोज़ डेथ हो रही है, डेथ हो रही है, तो ध्यान रखो अपना घर पर यार, स्टे सेफ और घर पर रहें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो ये थोड़ा सा एक दो घंटे डॉक्टर साहब मेरा टाइम स्पेंड था, उसे नहलाया धुलाया, थोड़ी छत की सफाई भी कर ली मैंने इस बहाने, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बी सेफ ड्राइव सेफ, घर पे रहो 18 तारीख तक, उसके बाद जो निर्णय आएगा तब देखते हैं, तो बाय बाय।